गुड मॉर्निंग, आज डे 5th है हमारे सात्विक फूड जर्नी का। तो आज डे 5th का मेरा जो फर्स्ट मॉर्निंग जूस होगा वो होने वाला है पम्पकिन जिंजर और टर्मरिक जूस। तो इसके लिए पहले मुझे इस पम्पकिन को अच्छे से पील ऑफ करके चॉप कर लेना है और उसके बाद हम इसका जूस बनाएंगे। मैंने अप्रॉक्स हाफ के जी पम्पकिन लिया है, इसका मैं 3/4 यूज करने वाली हूँ एक ग्लास जूस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पम्पकिन बिल्कुल चॉप हो चुकी है और ऑलमोस्ट ये मोर देन हाफ के जी के आसपास ये पम्पकिन है हमारे पास। वैसे मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले रखा है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को मैं जार में डालूंगी और इस सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने जार में डाल दिया। साथ में मैंने पिंच ऑफ टर्मरिक भी यूज़ किया है यहाँ पे। साथ में यहाँ पर मैं 4-5 बर्फ़ के टुकड़े डाल रही हूँ। बर्फ़ मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जूस गर्म ना हो और बिल्कुल ठंडा रहे जैसा कि मुझे चाहिए और थोड़ा फ्लेवर ऐड करे। इसके लिए मैंने बर्फ़ यूज़ किया है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मुझे तो ये ठीक है। और इससे थोड़ा सा क्वान्टिटी भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सब्जियों से मतलब हाफ के जी सब्जी से ऑलमोस्ट एक पूरा ग्लास जूस नहीं निकलता है। तो थोड़ा सा हम इसमें बर्फ डाल देते हैं ताकि क्वान्टिटी बड़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो आइए अब इसको जार में डाल के पीस लेते हैं। ये काफ़ी ड्राई है अभी, ये मिक्स नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका जूस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। मैं इसमें ऑलमोस्ट 1/4 पानी डाल रही हूँ ताकि मिक्सी में मोबिलिटी बन सके और इसका जूस निकल सके। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही प्यारा सा पेस्ट बन गया है, काफ़ी क्यूट, मेरा टॉप से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका हम लोग मसलिन टॉप से जूस निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट ये पूरा ग्लास मेरा पम्पकिन जूस रेडी हो गया है। तो आज की मेरी मॉर्निंग जूस ये पम्पकिन जूस है। तो इसको नमक या फिर चाट मसाले कुछ भी ऐसे ही लेना है, लेकिन ऐसे ही लेना है और ये काफ़ी सही भी लग रहा है इसको। इसमें फ्लेवर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जिंजर ऐड किया है, टर्मरिक ऐड किया है, तो मुझे पूरा जिंजर और टर्मरिक का फ्लेवर ही आ रहा है और कुछ भी फ्लेवर नहीं आ रहा है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने कोई भी फ्रूट्स नहीं लिया है और आज मैं डायरेक्टली लंच पे स्किप कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, मेरे पास है आलू और साथ में मैं मिक्स करने वाली हूँ एक कैप्सिकम। तो आज बनेगी सब्जी आलू कैप्सिकम की। और आज की जो मैं रोटी बना रही हूँ वो बनाने वाली हूँ, सुबह जो मैंने पम्पकिन का जूस बनाया था उसका पल्प रह गया था, तो पल्प वो वाली पम्पकिन रहेगी और साथ में कैप्सिकम और थोड़ा सा लौकी का मैं पल्प बना के और उसके साथ रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सब्जी बना लेते हैं। तो आज की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं आलू की और कैप्सिकम की।
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी कट के तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने आलू, कैप्सिकम और जो भी मसाले यूज़ होंगे, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, हल्दी और इसमें थोड़ा नमक, ये सारे मैंने ले लिए हैं। अब मैं गैस पे मटके को चढ़ा लूँगी। जब मटका थोड़ा गर्म हो गया जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसके चटकने का वेट करेंगे। अब मुझे चटकने की आवाज़ आ रही होगी। ये जीरा हल्का सा चटक गया है तो अब मैं इसमें आलू, कैप्सिकम हल्का 2-4 मिनट मैंने फ्राई किया है, उसके बाद अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। ऑलमोस्ट हाफ कप पानी डाला मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इतना पानी डाला है कि ये पूरी अच्छी तरीके से डिप कर गई। एक बार डिप करने के बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले नमक, थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा ही डालूँगी, गरम मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ऑलमोस्ट हम 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये सब्जी बन रहा है उसके बीच में हम रोटी की तैयारी कर लेंगे। तो आज सुबह जो हमने जूस निकाला था पम्पकिन का, उसका ये पल्प बचा है, ये काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी हद तक जूस भी बचा हुआ है और इस पल्प में काफ़ी न्यूट्रिशन बच जाता है क्योंकि सारा जूसर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो हम इस पल्प को यूज़ करेंगे, साथ में हम थोड़ा सा एडिशनल यूज़ करेंगे वो है फ्रेश घिया। उसको मैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ले लेती हूँ। आई थिंक 2-3 चपाती के लिए इतना मोर देन सफिशेंट हो जाएगा। इसको मैं चॉप करके इसको ग्राइंड कर दूँगी। ये मैंने इसको काट लिया है, मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी और इसका पल्प बना लूँगी। ये काफ़ी कम अमाउंट है तो ये प्रॉपरली ग्राइंड नहीं हो पा रहा, तो मैं सुबह वाला पल्प भी इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि इसको थोड़ा ग्राइंड होने में हेल्प मिल जाए और मुझे एक स्मूथ पेस्ट मिल जाए। मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया है, अब मैं इसे दोबारा ग्राइंड करती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी नाइस पेस्ट जाके तैयार हो गया है। इसे अपने बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप एक लोग का खाना बना रहे होते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हो जाती हैं और आप चाह के भी 2 रोटी तो नहीं बना सकते, तो मिनिमम 3 या 4 बन जाती है। या तो फिर ये पल्प आपका वेस्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी चैलेंज है जो आप एक लोगों के लिए बना रहे हो, या फिर आप छोटा मिक्सर यूज़ कर सकते हो उसके लिए। बट आज मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा पल्प वेस्ट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेस्ट रेडी है। तो मैंने एक ये बाउल ले लिया है, इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ तक इससे हाफ कप राइस, इससे हाफ मेज़रमेंट तक आटा ले लूँगी 2 रोटी के हिसाब से, क्योंकि अप्रॉक्स
मेरे मुट्ठी से दो या तीन हैंडफुल होता है, उसमें मैं इसका पेस्ट मिक्स कर लूँगी। मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, ये आटा ऐसे ही गूंज जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली इस तरीके से नीट होके थोड़ा स्मूथ वो बना है। ये पंपकिन और घिया दोनों ही पानी छोड़ रही थी, मैं इसके लिए थोड़ा सा आटा और मिक्स करूँगी इसमें, थोड़ा तक ये थोड़ा कड़क बन जाए। इसके ऊपर 10 मिनट के लिए एक छोटे से बाउल में रख के रेस्ट कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आलू आधी पकी है आधी कच्ची है, उसमें थोड़ी देर के लिए और छोड़ दूँगी। मुझे लग रहा है पानी इसमें थोड़ा कम हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। इसमें जूस के लिए इसको पकने 20 मिनट हो चुके हैं, आलू पूरा ही पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैं देख सकती हूँ अगर मैं इसको कट कर रही हूँ तो बहुत ही प्यार से कट हो जा रहा है। तो अब मैं इसको फिनिशिंग के लिए इसमें हरी मिर्च और टमाटर साथ ही खाने में टमाटर डालने के साथ ही स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आज मैं ये टमाटर डालूंगी और मिक्स करूँगी, उसके बाद इसको बंद कर दूँगी। तो ये इसकी गर्मी से ही आपस में पक जाए। तो आज की मेरी सब्जी तैयार हो गई है, तो मेरी सब्जी तैयार हो गई है, अब हम लोग रोटी बनाएंगे। रोटी के लिए हमने आटा तैयार कर रखा है, हमने अपनी मिट्टी वाली तवा रखी है, साथ में रात के लिए आटा भी निकाल लिया है। और ये अपनी आटे की लोई जो हमने बना के रखा था, ये काफ़ी 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 सॉफ्ट है, काफ़ी नरम है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रोटी बनाने में इसमें थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, थोड़ा प्रयास ज़्यादा चाहिए होगा। क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गीले आटे की रोटी बिना परात कम परात में नहीं बनती, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया क्योंकि हाथों से बिल्कुल कुछ प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही पड़ रही है। बहुत ही प्यार से ये अपने आप ही गल जा रहा है, वैसे इसका कलर काफ़ी प्यारा आ रहा है येल्लो येल्लो। सो ये मेरी सब्जी कुछ ऐसी बन के रेडी हुई है। और मेरी चपाती, तो मैंने दो चपाती ली है, उसके अकॉर्डिंग चार कटोरी सब्जी होनी चाहिए। तो ये एक कटोरी सब्जी यहाँ है और बड़ी सी कटोरी सब्जी मैंने यहाँ रख रखी है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे इतना सारा डिनर होने इतना सारा मेरा लंच होने वाला है। आलू तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता। हेलो हेलो गाइस, सो अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 7:05 हो चुके हैं। तो अभी मेरा डिनर बनाने का टाइम है, तो आज मैं टमाटो सूप बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे, इसमें अपना पॉट चढ़ा देंगे जो हमारा पॉट है,
और इसमें इतना पानी डाल देंगे कि हमारे जो टमेटोज हैं वो डूब सके। मीनवाइल हम टमाटर से धो लेते हैं। अब ये टमाटर मैंने धो के रखे हैं, इनमें कुछ नहीं करना है। अब जब तक ये पानी गर्म होता है तब तक हमें दो चीज़ें और तैयार कर लेना है। मैंने थोड़ा घिया का इस्तेमाल किया है, दो आलू भी लिए हैं और थोड़े से कॉर्न लिए हैं सूप बनाने के लिए। तो अब देखते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले ये बाउल ले लेते हैं, इस बाउल की हमें तुरंत ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक और बाउल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये पोटैटोज को पील ऑफ कर लेते हैं। तो ये आलू और घिया दोनों पील ऑफ हो चुके हैं, मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। अब मैंने इनको वॉश कर लिया है, मैं इसको इनको चॉप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दो चिली भी ले लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर्स कट हो चुकी हैं। अब इनको मैं इस बाउल में ले लूंगी। मेरा पानी अब गर्म हो चुका है, काफ़ी खौल रहा है, तो अब मुझे इस पानी को इसमें बस डाल लेना है। इस कपड़े की हेल्प से ये खौलता हुआ पानी इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं आप काफ़ी गर्म है ये। इस टमाटर को मैं इसमें ऐसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब मेरा मटका फिर से खाली हो चुका है, मैं इसमें पानी डालूंगी। इसको मैं डाल दूंगी आलू और लौकी, इसमें डायरेक्ट डाल दूंगी मैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए दो मिर्चियाँ भी ली हैं, इसमें मैं डाल दूंगी। और हल्का सा कॉर्न यूज़ किया है मैंने, हालांकि मैंने इसे गार्निशिंग के लिए सोचा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉर्न डाल दूंगी। इसमें कॉर्न डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग नमक और बस इनको मिक्स कर दूंगी और इनको बॉईल होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये सारी सब्जियां अच्छे तरीके से पक जाए। 10 से 15 मिनट तक ज़्यादा हो चुकी है। अब इसको मैं एक बार सब्जी को चेक कर लेती हूँ। आलू पक के रेडी हो चुकी है आई गेस। घिया का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, चिक्कू के पीछे साइड से मैं देख सकती हूँ काफ़ी नरम हो चुका है। तो अब बस ये गल गई है सारी सब्जियाँ, तो मैं इसको बंद करके छोड़ दूँगी। बंद करके प्लीज़ याद से कम 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, जब तक कि ये ठंडी नहीं हो जाती है। कभी भी कोई गर्म चीज़ मिक्सी में मत डालिएगा, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मेरा रिसेंटली कुछ दिन पहले हो गया था, तो इसलिए कभी भी सूप या कुछ भी बना रहे हो तो इसको ठंडा होने पे ही, जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तभी मिक्सी में डालो, क्योंकि मिक्सी में अपने आप ही एक हिट होती है, उसकी वजह से भी चीज़ें और गर्म हो जाती हैं। तो अब तक तब तक मेरे पास अपना टमाटर भी चेक कर लेते हैं, ये भी थोड़ी मुलायम हो गई है। सारे टमाटर को जार पर डाल देंगे और अभी मैं इसे ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, अभी पहले मैं इस सब्ज़ी के ठंडे होने का वेट कर ले रही हूँ। एक बार जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे और जो भी मेरे पास जो भी मसाले हैं वो उसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। इनफैक्ट 5 मिनट तक मैं इसको ढक के रखूँगी, उसके बाद मैं इसको हटा के रखूँगी ताकि ये प्रॉपरली अच्छे से ठंडा हो जाए। जब आप पॉट में खाना बनाते हो तो खाना काफ़ी देर तक गर्म रखता है, तो 5 से 10 मिनट के बाद आप चाहें तो एक बोल में निकाल लें और
ठंडा करने के बाद ही मिक्सी में डालें। 5 मिनट के अप्रॉक्स हो गए हैं, अब मैं इसको एक बाउल में ले लूँगी। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे सभी भी, इसमें से थोड़ा सा वेपर निकल रहा है, तो जब तक ये और टच करने में काफ़ी गर्म है, तो जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता हम इसको मिक्सी में नहीं डालेंगे। मीनवाइल मैं इसमें हल्का सा बीटरूट का पाउडर मिलाने वाली हूँ, जो कि मैंने आज ही बनाया है, ताकि थोड़ा सा कलरफुल दिखे। हालांकि मैंने आज इसे जस्ट ही बनाया है, तो मुझे काफ़ी मन कर रहा था इसका एक्सपेरिमेंट करने का, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। इसको ऑलमोस्ट मैं 5 से 10 मिनट और छोड़ दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। ऑलमोस्ट 10-12 मिनट हो गया, मैंने इसे ठंडे पानी में रख दिया था और इसे टच करने पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी टमाटर वाली में, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, तो मैं आपको ग्राइंड करके मिलती हूँ। तो ये जूस मेरा रेडी हो गया है आफ्टर ये ग्राइंड करने के बाद। थोड़ा ठंडा भी हो गया बट चलेगा, क्योंकि बहुत गर्म रखने से मिक्सी फेंकती है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल देती हूँ। मेशन के लिए मैंने क्या किया है, आपका थोड़ा सा धनिया पत्ता, पुदीना, हल्का सा कॉर्न, ब्लैक पेपर और साथ में थोड़ा सीजनिंग डाल दिया है। ये सारा डल चुका है और ये मेरा सूप रेडी हो चुका है। तो ये रहा मेरा आज का डिनर, एक फुल बाउल ऑफ सूप। तो आज मेरा डे 5 फिनिश होता है। डे 5 को आज मैंने मॉर्निंग में पम्पकिन जिंजर टर्मरिक जूस लिया था, दोपहर में मैंने पम्पकिन और घिया की रोटी बनाई थी, और आलू कैप्सिकम टमाटर की सब्ज़ी, और रात में मेरा टमाटो सूप। तो हालांकि खाने में काफ़ी वैरायटी मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो काफ़ी टेस्ट में वेरिएशन है, तो अच्छा लग रहा है। वैसे खाने में प्रॉब्लम नहीं है, वैसे वेट लॉस में वैसा कुछ मुझे खास डिफरेंस अभी तक दिख नहीं रही है। खैर अभी जस्ट 5 डेज है, तो आई गेस कि थोड़ा जर्नी आगे बढ़ेगी तो शायद कुछ डिफरेंस दिखेगा। अदर बट स्टिल फीलिंग जस्ट लाइक नॉर्मल डेज। हाँ, क्रेविंग थोड़ी सी कम हुई है, सो इट्स लाइक ओवरऑल इट्स अ गुड जर्नी टिल डे। अब आगे देखते हैं कि कैसे प्रोसीड होता है और कितना इफेक्टिव रहता है मेरे वेट लॉस में या फिर अदर फैक्टर्स में। और अगर आपको कुछ आपके पास कुछ सजेशंस हैं, या आप कुछ शेयर करना चाहते हो, या आपके पास कोई अच्छी रेसिपीज़ हैं किसी भी तरह की, जो वेजिटेबल बेस्ड हो, प्लांट बेस्ड हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मैं उसको ट्राई करूँगी अपने लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी होने वाला है, तो मुझे बहुत सारी वैरायटी चाहिए होगा। सो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।